In the light of the above, we deem it proper to dismiss the preliminary objection raised by the Union of India questioning the maintainability of the review petitions, and we hold and affirm that the review petitions will have to be adjudicated on their own merit by taking into account the relevance of the contents of the three documents. So Supreme Court. Has said so रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल है और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की एडमिनिटिविटी के बारे में हमने विचार करना है मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं रिव्यू पिटिशन पर फैसला नहीं हुआ है मूल निर्णय अभी भी सही है जो मैंने बताया और वो पेंडिंग है यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल 2019 का अब स्वराम धन्य राहुल गांधी ने दस अप्रैल दो हजार उन्नीस को क्या कमेंट किया अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ये आपको हम दिखाना चाहते हैं दिखाइए अब देख लिया आपने इस निर्णय में ऐसा कोई जिक्र नहीं है और इन्होंने क्या कहा कि चौकीदार चोर है और घपला हुआ है आई वुड लाइक टू अगेन रिटरेट द ओनली लिमिटेड स्कोप ऑफ इंक्वायरी वॉज द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स Which were sought to be unauthorizedly taken out the court said we reject that we shall consider their admissibility on merits इसमें कहीं राफेल के खरीदगी की निर्णय प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं है किस बिना पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए झूठे ये गंभीर सवाल है और राहुल गांधी की क्षमता कुछ भी हो दुर्भाग्य से या अपनी विरासत से वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुर्भाग्य नहीं ये कांग्रेस ही तय करे, लेकिन फैक्चुअल ये है कि वो विरासत से वहां बैठे हुए हैं। आज कोर्ट ने जो उनको इश्यू नोटिस किया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है बाकी अखबारों की भी है मैंने इसलिए अखबार का नाम लिया ऑथेंटिसिटी के लिए क्या कोर्ट ने कहा हमें एक बात स्पष्ट कहूं कोर्ट की प्रक्रिया पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा अब वो जवाब देंगे कोर्ट फैसला करेगा आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर एज फार एज द पेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न द कोर्ट विल टेक कॉल ऑन दैट आफ्टर द रिप्लाई लेकिन कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्व किया वो मैं सिर्फ जो छपा है पढ़ रहा हूं वी मेक इट क्लियर दैट व्यूज ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स एट्रीब्यूटेड टू दिस कोर्ट in the alleged speeches remarks made by gandhi to media public have been incorrectly attributed to this court we also make it clear that this court had no occasion to make such observations in as much as it was deciding legal admissibility of certain documents which were objected by the attorney general notice here repeat karunga जहां तक कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट तय करेगा मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन राहुल गांधी जी आपने झूठ क्यों बोला और उस झूठ का आधार सुप्रीम कोर्ट को क्यों बनाया ये पहला सवाल है मिस्टर राहुल गांधी प्लीज एक्सप्लेन टू द कंट्री वाई यू कंटिन्यू टू स्पीक ए लाई एंड यू एट्रीब्यूटेड लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री वाई आपको मालूम है पहले भी चर्चा मैंने भी की है बाकी लोगों ने भी की है कि स्वयं राफेल के चीफ ने बताया है कि अनिल अंबानी के बारे में इनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है ऑफसेट क्लॉज में उनको सिर्फ 800 करोड़ रुपए का काम दिया गया है बाकी 3000 करोड़ टोटल है जो कि कई लोगों को काम मिला है देश में रोजगार मिलेंगे वो एक अलग विषय है लेकिन और इसके बावजूद राहुल गांधी झूठ बोलते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी उन्हें झूठ बोला और 10 अप्रैल को बोला यह बेशर्मी राहुल गांधी कब बंद करेंगे वेन विल राहुल गांधी स्टॉप दिस शेमलेस शावरिंग ऑफ लीडर यह है दूसरा बहुत ही गंभीर सवाल ये राहुल गांधी कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले कोई पहली बात नहीं है उन्हें इलेक्शन कमीशन की मर्यादा पर सवाल उठाए थे उन्होंने सीवीसी के बारे में सवाल उठाए थे आज सुप्रीम कोर्ट का विषय है तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में चाहे वो चुनाव आयोग हो या आज सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट है और बीच में सीवीसी पर उन्होंने कई सवाल किए थे। तो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तार तार करना राहुल गांधी की आदत बन गई है राहुल गांधी हैज मेड अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट टू रिपीटेडली डेनिग्रेट द सेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज यह बात क्यों उठाना जरूरी है कि राहुल गांधी और उनकी बहन और उनके मित्र आजकल अपने प्रचार में मोदी जी के राज में संविधान समाप्त हो रहा है ये झूठ बोलते हैं ना संविधान की खिल्ली कौन उड़ा रहा है ये राहुल गांधी जवाब दे देश में बोलने का अधिकार है लेकिन झूठ बोलने का अधिकार नहीं है और गाली देने का भी अधिकार नहीं है बीजेपी यह मांग करती है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी की टिप्पणियों का संज्ञान ले द बीजेपी डिमांड्स द इलेक्शन कमीशन टेक्स ए सीरियस कॉग्डिजेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी आई वुड लाइक टू रीटरेट दैट वॉट एवर एक्शन सुप्रीम कोर्ट विल टेक इन ट ज्यूजरेप्रीम कोर्ट दिस कमेंट ऑन द टेंथ ऑफ अप्रील वॉज मेड आफ्टर फाइलिंग इज नॉमिनेशन वे द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑन देर फॉर ऑल द डूज एंड डोंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर इक्वली एप्लीकेबल टू राहुल गांधी और झूठे आरोप नहीं लगाना है यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक शर्त है संविधानिक संस्थाओं को लेकर चुनाव में प्रचार और अपनी बात नहीं कहनी है यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक इंपॉर्टेंट शर्त है इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्चतम संस्था है उसके आदेश को तोड़ मरोड़कर झूठे आरोप लगाना यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है जस्ट टू रिपीट वी वुड अपील टू द इलेक्शन कमीशन टू टेक A very very serious cognizance of this utterance of Mr. Rahul Gandhi. He spoke it on the tenth of April after filing his nomination in amiti when the model Code of Conduct is very much on. And there are two clear injunctions of model code of conduct. You should not speak a lie during campaign designed to vilify. And the second, you must refrain from attacking

हार सीधा दिखाई पड़ रही है इसीलिए इस तरह की झूठी बयानबाजी हो रही है देश तो स्वीकार नहीं कर रहा है लेकिन अपने कार्डर को भी संभालने में झूठ का सहारा लेकर कोई बहुत वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बेसिक वसूल है झूठ बहुत दिन नहीं चलता झूठ का चेहरा बेनकाब हो जाता है ऐसे राहुल गांधी से यह मांग करना तो पता नहीं कितना उचित है हम मांग करते हैं कि अगर उनमें कोई शर्म बची है तो माफी तो मांगे देश से ये हम जरूर कहना चाहेंगे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इस विशेष में कोई आपका सवाल हो तो पूछिए देखिए मैं पैराग्राफ टू ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पार्टीज और देयर वर्कर्स बेस्ड ऑन अनवेरीफाइड एलिगेशन और डिस्टोर्शन शैल बी अवॉइडेड एक क्लियर ग्राउंड और बाकी आगे भी है कि कॉफल बॉडीज का आप प्रयोग नहीं करेंगे थैंक यू राहुल गांधी ने क्या कहा था सामने है आ, एक मिनट कमाल की बात है कि देश के जवानों से शहादत का सबूत मांगने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपने नेता के सीधे सबूत से भी भाग रही है क्या उन्होंने बोला है पार्टी विल टेक ए कॉल नाउ बिकॉज ऑल इट एस डिवलप टुडे इट Uh, the Supreme Court having issued the notice only reinforces the need for the Election Commission to take an objective call independent of the court proceeding. Thank you.